अगर तुम इस वीडियो का पार्ट वन देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ पे मैंने पार्ट वन में 8 जिम बैचेस तक खेला था, तुम उसको देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो देखो, मैं सबसे पहले आया, मैंने गैरी से बात की और फिर गैरी बोलता है कि मैं जब भी मेरी तेरी बैटल होगी तो मैं तेरे को हरा दूंगा। तो यहाँ पर मैं अपना रेजिस्टेंस पहले कर लेता हूँ और मेरी पहली फाइट होती है मैंडी से। तो तुम फाइट जब तक इन्जॉय करो। और मैं तुम लोगों को एक बात बता दूँ कि पहले तो मतलब इन छोटे मोटे ट्रेनर से बैटल करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी, मैंने हो से ही सबको बीट कर दिया था लिटरली। उसके बाद बारी आती है एलाइट फोर की, मैं पहले एलाइट फोर को भी हरा देता हूँ, बट उन एलाइट फोर को हराते हराते मेरे पसीने छूट जाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने 100 अटैम्प्ट्स कर दिए होंगे एलाइट फोर को हराते हराते। भाई ऐसी बैटल की ना उन लोगों ने, भाई उनके पोकेमोन तो मेरे हो ओके जितने ही थे। तो मैं यहाँ पे दूसरी बैटल भी जीत चुका, अब मेरी बैटल होगी तीसरी बैटल, जो होगी आइस फील्ड में, और तुम लोग को जहाँ तक याद होगा वो आर्कनाइन वाली बैटल जहाँ पे पिकाचू ने आर्कनाइन को हरा दिया। तो सबसे पहले इसने भेजा था ग्रैवलर, तुमने सेक्रेट फायर से पहले इसको बंद कर दिया, फिर एक एरियल एस और वो बंद से ऑटोमेटिकली मर गया। उसके बाद मैंने एक एरियल एस मारा, फिर दूसरा एरियल एस, और फिर इसको कर दिया मैंने फायर ब्लास्ट से ख़त्म। उसके बाद आता है, मैं क्विक सेव करता हूँ, उसके बाद आता है आर्कनाइन, मैंने 1-2 एरियल एस में इसको भी कर दिया ख़त्म, और मेरा हो जाता है लेवल 80 का, और गैरी हार गया बेचारा, मुझे लूज़र बोल रहा है, मेरी गलती है क्या भाई। तो मेरा अगला ट्रेनर से बैटल होती है यहाँ पर, जो भेजती है बीटल, उसको एक एरियल में ख़त्म कर दिया, साइथर को भी एक एरियल एस में ख़त्म कर दिया, और बेल स्प्राउट को भी मैंने एक एरियल एस में ख़त्म कर दिया। उसके बाद आता है रिची, जो मुझे बोलता है मतलब नीचे आ जाओ, मैं हील करता हूँ, नीचे जाता हूँ, और फिर देखता हूँ कि रिची टीम रॉकेट से बैटल करता है। रिची ने टीम रॉकेट को हरा दिया, और मेरी नेक्स्ट बैटल होने वाली होती है रिची से। रिची मेरे को सबसे पहले नीचे बुलाता है, मैं जाता हूँ भाग करके। जब मैं जा रहा ही होता हूँ तो मेरे को याद आता है कि आई जस्ट सेड कि टीम रॉकेट मुझसे बैटल करने लग जाती है। वेल देखो, मैंने पिकाचू को स्टार्टिंग में इसलिए रखा, देखो मतलब बात ये हुई थी कि रूल्स में कि मैं पिकाचू को यूज़ नहीं करूँगा का यूज़ का मतलब ये है कि मैं पिकाचू का कोई अटैक यूज़ नहीं करूँगा। वैसे मैं बैटल में ले आ सकता हूँ, बट फॉर सम हेल्प, जैसे इसने डेस्टिनी बॉन्ड किया और मेरा हो जाता है ख़त्म, तुम खुद देखना अब ये यहाँ पे ख़त्म होने वाला है मेरा हो एरियल इस मारा, मेरा हो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं टीम रॉकेट से री बैटल करता हूँ, हाँ, उसके बाद मैं वापस से आ जाता हूँ रिची से बैटल करने। तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरा हो फेंट हो गया, बट मैं फिर से गेम सेव करता हूँ और फिर इससे बैटल करता हूँ, जहाँ पे मैंने एक फायर ब्लास्ट एरियल इसमें बटरफ्री को कर देता हूँ ख़त्म। उसके बाद फायर ब्लास्ट में पीक जो ख़त्म कर देता हूँ, और फिर चार्मेंडर आता है जो एरियल एस से ख़त्म हो जाता है। अब मेरी जो नेक्स्ट बैटल थी वो होने वाली थी 6v6 की, एक्चुअली उसके बाद मैं पीसी से अपना चार्मेंडर स्क्वेटल और एक्केंस ले लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ 6th बैटल में, उससे पहले मैं बैटल में जाऊँ मैं फिर से रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ। अब यहाँ पे बैटल होने वाली 6v6 की जो हार्ड थी, मैं खुद बता रहा हूँ वो हार्ड थी। ड्राउजी ने मुझे पॉइजन किया, लेकिन मैंने जैसे तो उसको हरा दिया, टेंटाकुल को भी हरा दिया, राइट डॉन उसको मैंने सेक्रेट फायर मार के बर्न कर दिया, और मैं रिकवर करता रहता हूँ जब तक राइडॉन नहीं हार जाता। फिर मैं रिकवर करता रहता हूँ और बर्न राइडॉन की हेल्थ लेता रहता है, और बाद में वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है रेटिकेट, जिसको मैंने एरियलिस मारा रहा, और एंडेवर से मैं हो जाता हूँ ख़त्म। बट फिर मैं आता हूँ इसे बैटल करने, 1-1 हिट के वो मैं दोनों को कर देता हूँ। उसके बाद राइडॉन को मैं फिर से सेक्रेट फायर से बर्न कर देता हूँ, और उसके बाद एरियल एस से मैं राइडॉन को भी कर देता हूँ ख़त्म। उसके बाद आता है रेटिकेट, तो मैं कोई रिस्क ना लेकर के मैं इस पे भी सेक्रेट एज मार देता हूँ। और उसके बाद आता है वेनमोथ, जो एरियल एस में ख़त्म हो जाता है, एविशोर जो भी एरियल एस में ख़त्म हो जाता है बस। और उसके बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट बैटल करने, जो होती है
इंडिगो लीग में, और वो ये बैटल भी 6v6 की थी और ये बैटल भी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। बाकी जो बैटल तुमने देखी थी वो 3v1 की थी, जो इतनी भी कुछ टफ नहीं थी, बट ये रियली बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ पे तो मैं हार जाता हूँ, उसके बाद मैं फिर सेव करता हूँ। इस बैटल में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं दोनों को फायर ब्लास्ट मार के ख़त्म कर देता हूँ। और फिर आता है गोलेम, जिसने सब्स्टिट्यूट कर लिया, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं उसको सेक्रेट एश मार के येल्लो हेल्प कर देता हूँ और तीसरे सेक्रेट एश में हो जाता है ख़त्म। प्राइमेप जो एरियल इससे ख़त्म, प्लेरियन जो दूसरे एरियल एस में ख़त्म, पिंसर जो हो जाता है वन हिट, खेओ से बच गया 1 HP, भाई बस 1 HP से बच गया। बट जैसे तैसे मैंने इसको भी हरा दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, हील करता हूँ और फिर से रजिस्ट्रेशन करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ वापस से बैटल करने। इसके पास भी होते हैं 6v6 पोकेमोन और ये मैच होता है सेमीफाइनल का। इसके बाद मैं फाइनल मैच खेलूँगा और फिर एलाइट 4 से बैटल करूँगा। यहाँ पे ड्रैगन एयर को मैं एरियल इससे हरा देता हूँ। फिर आता है ऑनिक्स, जिसको मैं सेक्रेट फायर मार के बर्न कर देता हूँ और रिकवर करता हूँ और बर्न से ऑनिक्स भी हो जाता है ख़त्म। फिर आता है कैंगस्कान, जो नॉर्मल टाइप है, फ्लाइंग टाइप मूव आर इफेक्टिव ऑन दिस पोकेमोन। तो फिर आता है फ्यूरो, जो एक फायर ब्लास्ट में ख़त्म हो जाता है। फिर चारिज़ार्ड, जो मारता है मुझे ड्रैगन डांस, उसका अटैक कुछ ज़्यादा रोज हो जाता है लेकिन एरिया इसमें 4000 भी हो जाता है ख़त्म। उसके बाद मैं फिर रजिस्ट्रेशन करता हूँ और ये बैटल थी मेरी एलाइट 4 की। वाली बैटल फाइनल बैटल थी, तो ये पहली एलाइट 4 है। इसका नाम लॉरेले है आई गेस, यार मैं उसका नाम भूल गया, बट इसके पहले पोकेमोन को तो मैं ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद एक्सप्लोजन और फिर रिकवर। लैप्रस मुझे सर्फ मारती रहती है। मेरे पोकेमोन जो हो है वो इसके सारे पोकेमोन के खिलाफ वीक है। वीक का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे कि मेरे मूव्स बहुत कम इफ़ेक्टिव होंगे इसके पोकेमोन पे। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ थोड़ा टैक्टिक लगा के खेलूँ, और जैसे ही स्लो ब्रो ने मुझे काम माइंड मारा तो मैंने सोचा कि मेरे पास भी TM में काम माइंड पड़ा है, तो मैं हो को सबसे पहले वही सिखाऊंगा, फिर आऊंगा मैं इससे बैटल करने। तो यहाँ पे मैं तो हार ही रहा होता हूँ, फिर हार ही जाता हूँ। फिर गीगड्रेन से मैं थोड़ा टैक्टिक लगा खेलता हूँ, उसके बाद मैं फिर से सेव करके आता हूँ और मेरे पास एडवांटेज होता है वो भी 1 गीगड्रेन से। तो मैं यहाँ पे 2 सेट मारता हूँ काम माइंड के, ताकि मैं किंगलर को 2 हिट में ख़त्म कर पाऊँ। और उसके बाद आता है जिंक्स, तो मैं क्विक स्केप सेव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, और जिंक्स भी एक ब्लास्ट में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट फाइट होती है ये फाइटिंग टाइप चैम्पियन ब्रूनो से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 2, 3 और 4 काम माइंड या 5 काम माइंड, आई डोंट नो मैंने कितने मारे, बट हाँ ऐसे सेट कर देता हूँ। और फिर मैं इसको एक फायर ब्लास्ट मारने वाला होता पर वो मिस हो जाती है, बट अब मैं इसको एक फायर ब्लास्ट में ख़त्म कर देता हूँ। फिर आता है हिटमॉनचैन, जो 1 गीगड्रेन में ख़त्म नहीं होता, बस ये रेड हेल्थ रह गई उसकी, बट अब ख़त्म हो जाता है सैंड स्टॉर्म से। फिर मैं वापस से यूज़ करता हूँ काम माइंड ताकि मैं इसको एक फायर ब्लास्ट में ख़त्म कर पाऊँ। और उसके बाद आता है पॉली रैथ, मेरे पास पॉली रैथ थे बेवकूफ़ी की, उसने बैली ड्रम मार दिया। मेरे पास था गीगड्रेन, मैंने इस पॉली रैथ को भी हराया। ऑनिक्स 1 HP में रह गया था गीगड्रेन से, फिर मैंने फायर ब्लास्ट से ऑनिक्स को ख़त्म कर दिया। फिर आता है हिटमॉनचैन, मेरा फायर ब्लास्ट हो जाता है मिस। उसके बाद मैं काम माइंड यूज़ करता हूँ ताकि मेरा स्पीड डिफेंस स्पेशल डिफेंस और स्पेशल अटैक रोज हो जाए। फिर मैं इसको मारता हूँ, एक्चुअली वो मुझे मारता है, लेकिन अब तुम यहाँ पे देख सकते हो वो मेरा एक हिट खा के 1 HP हो जाता है। फिर मैं उसको खुद पे काम माइंड यूज़ करता हूँ, वो मुझे ब्रिक ब्रिक मारता रहता है और उसकी हेल्थ सैंड स्टॉर्म से कम होती जाती है और मेरी भी होती जाती है, बट मेरी उतनी नहीं होती जितनी हिटमॉन ली की होती है। उसके बाद हिटमॉन ली 1 HP रह जाता है, जिसको मैं गीगड्रेन मार के ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं वापस हील करता हूँ और मेरी ये वाली बैटल होने वाली थी लेंस के साथ में, जो एक्चुअली एक ड्रैगन टाइप जिम एलाइट 4 का ड्रैगन स्पेशलिस्ट है। मुझे तो खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लेंस को तो मैं बहुत इजीली हरा देता हूँ एक्चुअली,
यस, मैं मतलब इजीली तो नहीं बट सेकंड टर्म में मतलब दूसरी बार में मैं इसको हरा देता हूँ, बट तुम देखो ये मुझे कैसे हराता है। इसने पहले मुझे एक वाटरफॉल मारा, मैंने चुपचाप काम माइंड यूज़ करता गया और फिर एक फायर ब्लास्ट में गैराडोस की रेड एचपी हो जाती है। फिर मैं यहाँ पे रिकवर करता हूँ और फिर मैं मारता हूँ एक फायर ब्लास्ट जिसमें गैराडोस हो जाता है ख़त्म। तो फिर आता है सी ड्रा, फिर मैं फिर से काम माइंड मारता रहता हूँ ताकि मेरा अटैक जो है वो हार्शली रोज हो जाए, ताकि मैं इसके हर एक पोकेमोन को वन हिट मार सकूँ। इसके बाद मैं करता हूँ रिकवर क्योंकि मेरी येलो हेल्थ हो गई थी। फिर मैं फिर से मारने लग जाऊँ काम माइंड, बट काम माइंड कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया था तो मैं काम माइंड अब यूज़ नहीं कर सकता था। तो मैंने मारा एक फायर ब्लास्ट जो सीड्रा को कर देता है ख़त्म। फिर आता है ड्रैगनाइट जो भी एक फायर ब्लास्ट में ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद आता है एरोडैक्टाइल जो भी एक गीगा ड्रेन में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है साइथर जो एक फायर ब्लास्ट में ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद आता है चारिज़ार्ड जो ख़त्म नहीं हो पाता। मेरे पास कुछ तीन या चार कुछ गीगा ट्रेन पड़ी थी, तो मैंने एक्चुअली बहुत समझदारी से किया और इसको दूसरे और गीगा ड्रेन में कर देता हूँ ख़त्म। मैं पहले एक क्विक सेव कर लेता हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, और उसके बाद लेंस को भी कर देता हूँ मैं ख़त्म। एक्चुअली लेंस था ना, अब मेरी आखिरी एलाइट कोर बैटल होती है, तुम खुद गैस करो। अरे उसका नाम मारता है वेल, इस ये गोल बैट ने मुझे परेशान करके रख दिया था बट मैंने इसको हरा दिया। लेकिन गैंगार को थंडर बोल्ट आता था जो सबसे बड़ी परेशानी थी मेरे लिए। फिर मैं फिर से सेव करता हूँ, फिर से मार्था से बैटल करता हूँ, लेकिन इस बार मैं मार्था को हरा देता हूँ। मैं पहले एक शॉक वेव मारता हूँ, गोल बैट को करता हूँ ख़त्म, फिर मैं यूज़ करता हूँ खुद पे अटैक यूज़ करता हूँ। लेकिन इस बार भी मैं उसको नहीं हरा पाता, तो मैं फिर से सेव करके आता हूँ उसके पास में, बट इस बार बिलीव मी इस बार मैं मार्था को कम्प्लीटली हरा देता हूँ। पहले तो मैं एक थंडरबोल्ट मारता हूँ जो उसको एक एचपी में ले जाता है, फिर मैं उसको दूसरे थंडरबोल्ट में ख़त्म कर देता हूँ, और फिर आता है गैंगार जो एक फायर ब्लास्ट में एक एचपी हो जाता है और फिर सो जाता है, और क्या ही बताऊँ वो बाद में उठता है जाके। या सैड लाइफ। इस बार मैं आर्बो को हरा देता हूँ, और फिर आता है एक नीडोक्विन जो मुझे क्लच बॉम्ब में ख़त्म कर देता है। फिर से मैं आता हूँ गेम सेव करके, लेकिन इस बार मैं इसको हरा देता हूँ। वेल, ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट में मैं इसको हरा देता हूँ। वेल, मैं कितनी गोली फिट करता हूँ रे, मैंने कितनी बार बोल दिया कि इस बार इसको हरा देता हूँ, बट एक्चुअली नहीं हरा पाता रे। या तो इस बार मैंने इसको हरा दिया, और मेरी आखिरी बैटल होने वाली है इस पूरे लीग के पिछले साल के चैम्पियन से, जिसका नाम मुझे नहीं पता। आई मीन एक्चुअली नहीं पता। तो मैं उससे बैटल करने जाता हूँ, उसके पास होता है केंगिस खान जो मुझ पे डबल एज मारता है, और ख़त्म कर देता हूँ मैं उसे भी। फिर मैं काम माइंड के सेट मारने लग जाता हूँ, और पॉली रैत को थर्ड डबल से ख़त्म कर देता हूँ। फिर आता है इलेक्ट्रोड जो सबसे पहले तो मैं उसको भी फायर ब्लास्ट मार के ख़त्म कर देता हूँ। फिर आता है फ्यूरो जो मेरे एक थंडर बोल्ट में ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद आता है आर्कनाइन जो मेरे थंडर बोल्ट में येलो एचपी हो जाता है। फिर वो मुझे मारता है एक्सट्रीम स्पीड पर, मैं 8 एचपी में बचता हूँ। और फिर आता है वीनोशोर जो फायर ब्लास्ट से ख़त्म हो जाता है। भाई यकीन मारो मेरे पसीने छूट गए थे। तो दैट्स इट गाइस, ये था आज का गेम प्ले, और मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट चैलेंज एश ग्रे पे कौन से पोकेमॉन पे चाहिए। टिल देन लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स का, आई नो यू कैन कम्प्लीट। सो बाय बाय, टेक केयर।